अब जब दिल की धड़कन के साथ अल्लाह आला मिल गई, वो तस्बीह काम काज करने लगा, गिर गई, सोने लगा, रखनी पड़ी। और ये तस्बीह 24 घंटे चलती रहती है, काम काज भी कर रहा है, सो भी रहा है, अल्लाह अल्लाह हो रही है। सुल्तान साहब हम आते हैं कि कुछ जागते हो सोते हो तो कुछ सोते हो जागते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी रात जाकर बात करते हैं लेकिन उनका शुमार सो हुए हैं, और कुछ लोग बिस्तरों से सो रहे हैं, उनके दिल अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। हुजूर पाक फरमाते हैं हम सोते हैं, हमारे दिल नहीं सोते। फरमाते हैं हम सोते हैं, हमारे दिल नहीं सोते। तो जब कोई जिक्र कलम में चला जाता है तो उस वक्त एक शायर ने कहा, गुनागार पहुंचे दरे पाक पर, जाहिद और पारसा देखते रह गए। भाई जाहिद और पारसा कैसे देखते रह गए और गुनागार कैसे दरे पाक पर पहुंच गए? जब जाहिद और पारसा ने कोई नेकी करी, किताब पे लिखी गई, अब वो जो नेकियां कर रहा है किताब पे लिखी जा रही हैं, लेकिन उसके दिल में तकब्बुर भी आ रहा है कि मैं नेकियां कर रहा हूं, और वो तकब्बुर दिल के ऊपर धब्बे लगाते जा रहा है। अब तक ये उसकी फाइल नेकियों से और नमाजों से भर गई, और दिल वो भी तकब्बुर से भर गया। जब दिल तकब्बुर से भर गया तो अल्लाह ताला कभी कभी अपने बंदों को देखता है, वो फाइलों को नहीं देखता, वो दिलों को देखता है। जब उसके दिल को देखा तकब्बुर से भरा पाया, अल्लाह ताला उससे बेजार हो गया, अल्लाह ताला उससे बेजार हो गया। जब अल्लाह ताला उससे बेजार हो गया तो उसकी नेकियां बर्बाद हो गई। एक हदीस है कि जिसमें जरा भी कुफ्र और बुख्ल है वो जन्नत के काबिल नहीं। शैतान ने अगर मार खाई, वो भी बहुत बड़ा आबद था, नमाजी था, अगर मार खाई तो तकब्बुर से मार खाई। अब वो गुनहगार कैसे पहुंच गया तेरे पास? जब किसी गुनहगार ने गुनाह किया तो उसकी फाइल पे भी गुनाह लिखा गया, उसके दिल पे भी एक डब्बा लगाया गया। अब क्या हुआ कि उसकी फाइल भी गुनाहों से भर गई और उसका दिल भी गुनाहों से काला हो गया। उसने दिल को सफेद करने वाला एक नुस्खा सीख लिया। हदीस शरीफ में कि हर चीज को साफ करने के लिए कोई ना कोई हथियार है, दिल को साफ करने के लिए जिक्र अल्लाह। उसने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी, अल्लाह अल्लाह करने से उसका दिल साफ हो गया। जब दिल साफ हो गया तो अल्लाह ताला ने भी कभी उसके दिल को देखा, जब दिल को देखा तो उसके ऊपर मेहरबान हो गया। जब मेहरबान हो गया और फाइल दरी की दरी रह गई, और जो लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं वो सभी भी हो जाते हैं। एक दफा ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि तेरा बेहतरीन दोस्त कौन है? उसने कहा कि कंजूस आबद। कि वो किस तरह? कि उसकी इबादत को उसकी कंजूसी आगाह कर देती है। तो तेरा सबसे बड़े दुश्मन कौन है? उसने कहा गुनहगार सखी। कि वो कैसे? कि उसकी सिखावत उसके गुनाह को जला देती है। तेरा शाही मेरा शाही, दीन नबी का सच्चा भाई,